रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले में इस टीम को सपोर्ट करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। इस टीम पर टिका है पूरी टीम का भविष्य। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 में भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहें तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितनी कि सभी क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 में से सिर्फ 3 ही मुकाबले जीते तो वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना किया है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स इस समय 9वें स्थान पर मौजूद है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चाहेगी कि इस मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीते। दरअसल अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाएगी जैसी कि चेन्नई सुपर किंग्स की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फिर अपने हर एक मुकाबले को जीतना जरूरी हो जाएगा। इस स्थिति में कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की स्थिति बन सकती है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी नामुमकिन नहीं है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स बाकी बचे हुए मुकाबलों को बड़े अंतर से जीत ले और कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर टीम 14 अंक के साथ क्वालिफाई करती है तो चेन्नई सुपर किंग्स इस रेस में सबसे आगे रहना चाहेगी। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।